हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। सो आज मैंने जो चैप्टर चूज़ किया है उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की। सो नीट का एग्जाम है बहुत करीब और अभी आपको करना है बहुत सारा रिविजन, क्योंकि पूरे साल बहुत कुछ पढ़ लिया पर अगर अभी रिवाइज नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। सो गाइज, राइट नाउ अभी शाम के आई थिंक 6:30 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और साथ साथ मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही हूँ। तो वाइल वॉचिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट कि आप लोग भी कुछ संग में मतलब दूध वूध पीते रहो और स्नैक्स ग्रैब करते रहो, बिकॉज वीडियो लंबा होने वाला है बट डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ होगा आपका क्विक रिविजन। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले है माइक्रोब्स आर डाइवर्स, मतलब माइक्रोब्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वेरेऑट्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स। सो ये सारे के सारे माइक्रोब्स होते हैं, मतलब जो बहुत छोटे हों। वॉट आर प्रियॉन्स? प्रियॉन्स आर प्रोटीशियस इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, तो ध्यान रखना पी से प्रियॉन्स, पी से प्रोटीन। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज एंड कैन बी सीन इन नेकेड आइज। सो अगर हम माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया को अगर हम इनकी कॉलोनी बनाते हैं तो हमें वो दिख जाएंगे नेकेड आई से भी। सम माइक्रोब्स कॉजेज डिसीज एंड सम आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग। तो देखो, कुछ माइक्रोब्स तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं बट कुछ माइक्रोब्स डिसीज कॉज करते हैं, तो आज हम इनके दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन डिसीज कॉज करता है और कौन हमारे लिए यूजफुल है। सो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, फॉर एग्जाम्पल थर्मल वेंट्स ऑफ गीजर, दैट इज टेम्परेचर अबव 1000, डीप इन सॉइल, अंडर स्नो, डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वीरियॉर्ट्स, प्रियॉन्स, ठीक है। सो ये बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। यूजफुल जैसे कि एज अ एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स होती है वो किससे बनती हैं? माइक्रोब से बनती हैं, एंड ये हमें हार्मफुल डिसीज भी कॉज करते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अ कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। सो सबको पता है कि भाई हम दूध से दही बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? माइक्रोब्स की हेल्प से। कौन से माइक्रोब की हेल्प से? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अ लैक्टो वेसलस, लैक्टो मतलब दूध, वेसलस मतलब बैक्टीरिया, एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो दो टाइप के बैक्टीरिया यूज होते हैं दूध से दही बनाने में, एक का नाम है लैक्टो वेसलस, दूसरे का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ग्रोन इन मिल्क एंड वो कन्वर्ट हो जाता है दही में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूसेस एसिड दैट कॉगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम दूध के अंदर ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज वगैरह डाल देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दूध को आधा पचा देते हैं, मतलब दूध जो है वो जब दही बनता है तो वो पार्शली डाइजेस्ट होता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग वाइटामिन B12। सो अब दही खाने का और क्या फ़ायदा है कि दही में आपको मिल जाता है वाइटामिन B12 ऑल्सो। इन आर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। सो बेसिकली ये जो लैब है ये क्या करता है, ये हमारे स्टमक के अंदर भी जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको रोक देता है। नेक्स्ट, द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाई यूजिंग बेकर्स ईस्ट, दैट इज सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। नेक्स्ट, टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। सो बेसिकली आपको अभी तक समझ में आया होगा कि हम घर में कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पर बेसिकली आपको रिविजन करना है हाईली इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ NCERT का। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स आर, हाँ सो यहाँ पे पढ़ते हैं, द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। सो ये बात बहुत पूछी जाती है कि स्विस चीज में जो बड़े बड़े होल्स होते हैं
ये जो बड़े बड़े होल्स हैं किसकी वजह से हैं? बिकॉज ऑफ दी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से. वो किससे प्रोड्यूस होती है? बाय द बैक्टीरिया प्रोपीनियो बैक्टीरियम शर्मानी. नेक्स्ट द रॉकफोर्ट चीज़, ये है आपका रॉकफोर्ट चीज़, इज राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस ऑन देम फॉर अ पर्टिकुलर फ्लेवर. सो इसमें क्या, देखो इसकी स्पेलिंग में एफ आता है ना, तो याद रखना रॉकफोर्ट चीज़ में फंजाई का यूज़ होता है और स्विस चीज़ में प्रोपीनियो बैक्टीरियम शर्मानी का यूज़ होता है. नेक्स्ट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो अभी आपने देख लिया कि माइक्रोब्स का यूज़ घर में क्या है, नाउ अब देखते हैं कि भाई इंडस्ट्री में क्या यूज़ है माइक्रोब्स का. सो प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब इन अ वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड दी फर्मेंटर्स. सो अब हम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे माइक्रोब्स की ज़रूरत होगी, तो बहुत सारे माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? फर्मेंटर्स. तो आप सोच रहे होंगे बीच बीच में इतना साइलेंट क्यों हो जाती हूँ, बिकॉज मैं बीच में एक कोल्ड कॉफ़ी की सिप मार रही हूँ, सो इसीलिए चुप हो जाती हूँ. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेड बेवरेजेस. इसमें यूज़ होता है द ईस्ट सैकेरोमाइसिस सर्वेसी यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड द ब्रूवर्स ईस्ट इज यूज फॉर फर्मेंटेड माल्टेड सीरल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल. Wine and beer are produced without distillation. ये question बहुत पूछा जाता है कि कौन से with distillation है और कौन से without distillation है. तो याद रखना without distillation वाले जो हैं उनके में four letters हैं, that is wine और beer. इसमें देखो without distillation वाले में four letters हैं. Whereas whiskey, brandy and rum. तो whiskey में 6 हैं, brandy में 6 हैं and rum में 3 हैं. सो इसमें 3 लेटर्स हैं, तो ये यूज़ होती है, ये प्रोड्यूस होती है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ. सो यहाँ पर आपको डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन वाला एग्जांपल ईजिली याद हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं एंटीबायोटिक्स. सो फर्स्ट तो आपने ये पढ़ लिया कि फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए. सो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब. सो बेसिकली एंटीबायोटिक क्या है? एक केमिकल ही है ये, एक तरीके का, जो कि हम कुछ माइक्रोब्स से बनाते हैं कुछ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मारने के लिए. ठीक है, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी. मतलब इट्स बाई चांस, बस हो गई डिस्कवरी. उन्होंने सोचा नहीं था कि डिस्कवर करेंगे पेनिसिलिन को, बट देखो ये फेमस किससे हो गए? पेनिसिलिन से हो गए. चलो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन अ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक चीज़ नोटिस की कि जब वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर, सो उन्होंने देखा कि एक अनवॉश्ड उनकी डिश रह गई थी जिसको उन्होंने धुला नहीं था, वहाँ पर एक मोल्ड ग्रो हो गया था और उस पर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर रहा था. ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू अ केमिकल produced by the mold and he named it as penicillin. तो इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? Penicillin. After the mold Penicillium notatum, later Ernest Chain and Howard Florey made its full potential effective antibiotic. ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं तीनों के नाम, Alexander Fleming का नाम भी याद रखना है, Ernest Chain and Howard Florey. नेक्स्ट माइक्रोब्स का यूज़ हम एज अ केमिकल्स एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि एस्परजिलस नाइगर जो कि एक तरीके की फंगस है उससे बनता है सिट्रिक एसिड, एसेटोबैक्टर एसिटी जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया है जिससे बनता है एसिटिक एसिड, सिंपल है याद रखना, क्लॉस्टिडियम ब्यूटुलिकम जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया है और इससे क्या बनता है? ब्यूटरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया है जिससे बनता है लैक्टिक एसिड, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी जिससे बनता है इथेनॉल. नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में. सो लाइपेज
जो है वो यूज होते हैं एज अ लॉन्ड्री डिटर्जेंट। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखोगे एल से एल मिला, ठीक है, लाइपेज और लॉन्ड्री। पैक्टिनेज एंड प्रोटीज यूज इन बॉटल्ड जूसेस, अब इसको कैसे याद रखोगे, तो याद रखो पी के साथ क्या है, पी और बी। जब आप बी को लिखते हो लाइक आप शॉर्ट में जब लिखते हो पी और इसको लिखो बी, तो ये उल्टा उल्टा हो रहा है, तो ध्यान रखना प्रोटीएसिस एंड पैक्टिनेसिस किसके लिए यूज होते हैं, बॉटल्ड जूसेस के लिए। स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर टू रिमूव द क्लॉट्स, ठीक। नेक्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रिविजन करते चलो फटाफट से। साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई यूज एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, तो जिन पेशेंट्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होता है उसमें हम इसको देते हैं साइक्लोस्पोरिन ए को, जो कि किससे प्रोड्यूस होता है, एक फंजाई से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटिंस, स्टेटिंस है मोनास्कस परप्यूरा से बनता है विच इज़ द ईस्ट यूज एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये हाईली हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको अभी के अभी रट लो। नेक्स्ट माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। सो बेसिकली जो वेस्ट वाटर होता है, जो भी हम वाटर वेस्ट करते हैं उसका ट्रीटमेंट किसके थ्रू होता है, जो भी हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, मतलब जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं माइक्रोब्स, उसके थ्रू, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन टू स्टेज, तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये दो स्टेज में होता है। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, तुम्हारे लिए याद हो जाएगा ट्रिक के थ्रू पीपी, ठीक है, प्राइमरी एंड फिजिकल, सेकेंडरी इज बायोलॉजिकल। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम देखोगे फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो हम करते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है, मैन्युअली कूड़े को हटाना, और सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब कि जो कूड़ा कूड़ा है वो नीचे बैठ जाएगा और जो पानी वानी है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। उसके बाद होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर है एरिएशन, एक्टिवेटेड स्लज एंड एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, इनका यूज किया जाता है। सो अब हम फोकस करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट पर, इट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है, टू रिमूव फ्लोटिंग डेबरीज, जो भी ऊपर की तरफ तैर रहा है ना कूड़े में उसको फेंक देना, ठीक है। सेडिमेंटेशन टू रिमूव ग्रिट, जो कि सॉइल है, स्मॉल पेबल्स होते हैं वो सब नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो वो सब हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू द सेडिमेंटेशन। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्यूलेंट, तो जो ऊपर की तरफ बचा कुचा पानी जैसा रहा, क्योंकि देखो जब आप मान लो ये है एक तरीके से पूरा का पूरा जो भी स्लज सीवेज था, इसमें आपने नीचे की तरफ जब सेडिमेंटेशन किया तो नीचे की तरफ कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो गया और ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा पानी पानी सा बचता है, तो इस पानी को हम क्या कहेंगे, इस पानी को कहेंगे हम इफ्यूलेंट, ठीक है। द इफ्यूलेंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो जो ऊपर पानी पानी सा रह गया ना जिसको हम इफ्यूलेंट कह रहे हैं उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएंगे। नाउ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट या जिसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है मतलब कि यहाँ पर हम यूज करेंगे माइक्रोब्स का। सो द प्राइमरी इफ्यूलेंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक्स, सो आपको याद होगा व्हाट इज इफ्यूलेंट, चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। मान लो ये आपका पूरा का पूरा सीवेज था, इसमें जो नीचे बैठ गए सेडिमेंटेशन के थ्रू वो तो छोटे छोटे से पत्थर वगैरह थे, सॉइल थी, जो ऊपर की तरफ हल्का हल्का पानी सा बचा वो था आपका इफ्यूलेंट, और अब इस इफ्यूलेंट को हम
लार्ज एरिएशन टैंक्स में डालेंगे. दिस अलाउज विगेरियस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लोक्स. तो यहाँ पर अब क्या होगा, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी. व्हाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्यूलेंट. और जब भी माइक्रोब ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे उस इफ्यूलेंट के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक सामान होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको वो कंज्यूम कर जाते हैं. दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी ऑफ द इफ्यूलेंट. अब क्या होता है, इसकी वजह से जो बीओडी है वो कम होती जाती है. बी ओ डी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वॉटर. बी ओ डी से क्या होता है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो इससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस पानी के अंदर. अब जब माइक्रोब्स ने उस ऑर्गेनिक मैटर को ही कंज्यूम कर लिया, तो बी ओ डी कम होती जाएगी. ठीक है, अगर बात समझ में ना आए तो एक बार रिवर्स करके सुन लेना, क्योंकि मैं फास्ट वे में पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपका क्विक रिविजन हो सके. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, मोर इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल. ठीक है, जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना ज़्यादा पानी गंदा होगा. ठीक है, बात समझ में आई. और क्या करते हैं हमारे माइक्रोब्स, हमारे माइक्रोब्स उस ऑर्गेनिक मैटर को ही खा जाते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से बीओडी कम हो जाता है. Once the BOD of sewage water is reduces significantly, the effluent is then passed into a settling tank. सबसे पहले effluent को डाला aeration tank में. aeration tank में BOD जैसे जैसे कम होती गई, उसके बाद अब उस effluent को हमने डाल दिया settling tank में, where the bacterial flocks are allowed to sediment. अब यहाँ पर हमने bacterial flocks को allow कर दिया, and this sediment is activated sludge. और इस sediment को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं. अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक टू सर्व एज अ इनोक्युलम. सो आपको याद होगा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट प्रोसेस है, याद है ना, एरिएशन टैंक, उस एरिएशन टैंक में हम थोड़ा सा वो एक्टिवेटेड स्लज डाल देते हैं. ठीक है, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक्स कॉल्ड एज द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. सो फाइनली लास्ट में क्या करते हैं कि थोड़ा सा उठा के तो पुराने वाले में डाल दिया एरिएशन टैंक में, और जो बहुत सारा अमाउंट अभी जो हमारे पास बचा हुआ है वो हम डाल देंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में. ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. जब डाइजेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे बैक्टीरिया कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आराम से सुनना, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और ये गैसेस क्या बनाती है, बायोगैस. द इफ्यूलेंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. तो अब जो इफ्यूलेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद बचता है वो हम डाल देते हैं रिवर्स में और स्ट्रीम्स में. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया तो एक बार मैं बस एक बार और बता रही हूँ. ठीक है, बस एक बार क्या हुआ. सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट में हमारे पास दो प्रोसेस हैं. पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, मतलब हमने फिजिकली रिमूव कर दिया जितना भी कूड़ा करकट था उसको. कैसे किया, एक तो फिल्टर कर दिया. फिल्टर करने के बाद क्या किया, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस किया. सेडिमेंटेशन में जितनी भी सॉइल थी या जितनी भी गंदगी थी वो नीचे आके बैठ गई. अब बचा ऊपर जो पानी पानी, वो उठा के हमने डाल दिया लार्ज एरिएशन टैंक्स में. एरिएशन टैंक्स में जो हमने डाला वहाँ पर, ये आप देखो यहाँ पर जो हमने एरिएशन टैंक में डाला, सो इसमें जो एनएरोबिक माइक्रोब्स थे उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. एंड जब वो ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे ऑर्गेनिक मैटर को वो कंज्यूम करते जाते हैं. ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होता गया तो बीओडी भी कम होती गई. जैसे जैसे बीओडी कम होती गई, वैसे वैसे हमें पता चलने लगा कि अब ये पानी थोड़ा कम पॉल्यूटेड होता जा रहा है. बीओडी कम जब हो जाती है तो उसके बाद हम उसको सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं, जहाँ पर बैक्टीरियल फ्लोस जो हैं वो उस इफ्यूलेंट को सेडिमेंट कर देते हैं. एंड इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज. उसके बाद जो थोड़ा बहुत स्लज है उसका छोटा जरा सा पार्ट उठा के हम डाल देते हैं एरिएशन टैंक्स में, और जो रिमेनिंग मेजर पार्ट बचता है वो उठा के हम डाल देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में. उसके बाद जब डाइजेशन होता है, नाम से ही पता चला डाइजेस्टर, तो जब डाइजेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे यहाँ पर तीन टाइप की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये हो गया आपका
ट्रीटमेंट. नाउ आगे बढ़ते हैं. माइक्रोब्स प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब. टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू रिवेल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. तो अभी तक कुछ भी ऐसा मैन मेड नहीं है जो इन माइक्रोब्स की जगह ले सके. ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो यहाँ पर. द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉर Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of country from pollution. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये लाइन पूछी जा सकती है. Under this plan, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage can be discharged in the rivers. तो इस प्लान में उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट लगाओ जिससे जो रिवर्स हैं वो कम गंदी हों, कम पॉल्यूटेड हों. नेक्स्ट बात आती है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस. बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल. तो अभी आपने पढ़ा था ना बायोगैस बनती है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि बायोगैस जो है एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो कब प्रोड्यूस होता है, जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है. सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली ऑन सेलुलोसिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन एंड दीज बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड डी मिथेनोजन्स. इसमें आ जाता है आपका मिथेनो बैक्टीरियम. दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन ऑफ कैटल. अ लॉट ऑफ सेलुलोसिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन. अब देखो याद करो, जो गाय भैंस वगैरह होती हैं ये क्या खाती हैं, पेड़ पौधे खाती हैं. पेड़ पौधों की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है. सो बात समझ में आई कि उनके र्यूमन में जो एनिमल्स होते हैं उसमें बहुत सारा सेलुलोज होता है. सो इन र्यूमन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज. इसीलिए ये जो बैक्टीरियाज है, ये जो मिथेनो बैक्टीरियम है, ये र्यूमन में सेलोस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. हमारे अंदर सेलोस डाइजेस्ट नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ये बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि हम बायोगैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ठीक है, दस द एक्सक्रीटरा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड द गोवर इज रिच इन दीज बैक्टीरिया. डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड द गोबर गैस. नेक्स्ट आता है आपके सामने बायोगैस प्लांट. द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दैट इज IARI. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, दैट इज KVIC. द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक इन विच बायो वेस्टेज आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड. अब ये बायोगैस प्लांट किस तरीके का होता है देख लो. अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी. स्लरी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोटिंग कवर डाल देते हैं. द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी. तो माइक्रोबियल एक्टिविटी से गैस प्रोड्यूस होती रहती है. द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस. सो एक पाइप सा निकला होता है जिसके थ्रू सबके घरों में ये गैस जा रही होती है. एंड द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज अ फर्टिलाइजर. तो वो जो स्लरी है उसको हम बाहर निकालते जाते हैं जिससे कि वो एज अ फर्टिलाइजर यूज होते रहे. द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. तो इसको हम घर में बत्ती जला सकते हैं, इससे खाना बना सकते हैं. माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्टिस एंड डिसीज. लेडी बर्ड टू कंट्रोल एफाइड्स. ठीक है, ड्रैगन फ्लाई टू कंट्रोल मॉस्किटो. ट्राइकोडर्मा फंजाई प्रोटेक्ट्स रूट सिस्टम एंड कंट्रोल प्लांट पैथोजन. वैकुलोवायरस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस टू अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. वेसलस सिरिंजिसिस टू कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, लास्ट आता है आपका माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर. सो बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. बायो फर्टिलाइजर से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारी सॉइल को बड़ा ही भरपूर कर देते हैं न्यूट्रिएंट से, उसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर. द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया. तो BFC जैसे होता है ना KFC, वैसे हो गया BFC. सिम्बायोसिस के थ्रू राइजोबियम विथ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. सबको याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. फ्री लिविंग इन द सॉइल इज एजेटोबैक्टर एंड एजो स्पाइरलम. नेक्स्ट फंजाई,
ये शो करते हैं सिम्बायोसिस, माइकोराइजा विद द रूट ऑफ सिस्टम ऑफ अ जीनस ग्लोमस एंड अब्सॉर्ब फॉस्फोरस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ. ठीक है, तो बेसिकली आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि फंजाई का कौन सा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया, तो इसमें होती है सिम्बायोसिस शो कर रहा है ये, एनाबीना एंड एजोला एंड फ्री लिविंग. इस फ्री लिविंग के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं नॉन स्टॉक ऑसिलेटेरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर हो गया हो ये चैप्टर. मैं बहुत ही स्पीड में ये चैप्टर्स कवर करवाना चाहती हूँ, जिससे कि विदिन 20 और 30 मिनट के अंदर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए. एंड ऐसे आप चिल करते टाइम, लाइक आप वॉक कर रहे हो, चाय पी रहे हो, या ऐसे ही फ्री बैठे हो और कान में ईयरफोन लगा के सब कुछ अगर सुन लोगे एक बार, तो तुम्हें सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, सिर्फ हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो इफ यू वॉन्ट सम मोर वीडियोज लाइक दिस, देन डू हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. नाउ आई हैव टू एंजॉय माय कॉफी, चूंकि थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, थी तो कोल्ड. चलो कोई बात नहीं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो.